हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ऋषभ है। आज हम लोग जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये देखिए, ये फोम ट्यूब्स होती हैं। कई बार मेरे से लोगों ने कहा कि आप लोग बॉटल्स में करते हैं, एक बार फोम ट्यूब में भी करके दिखाइए। तो मैं इसको देखिए, ये लैब की फोम ट्यूब है और यहाँ पे देखिए मार्कर बने हुए हैं यहाँ पे कि कितना झाग ऊपर आएगा ml में। और यहाँ पे देखिए, हमने दोनों ही उसमें इक्वल लगभग पानी ले लिया है और दोनों में ही हमने प्रोडक्ट्स को डाल दिया है 0.1 ग्राम, 1 ग्राम का 10वां हिस्सा। एक में हमने अपना पॉपुलर ब्रांड जो है रुपया वो डाला है इस वाले में, और इसमें बाजार में मिलने वाला 70 रुपए का एक सेगमेंट का वॉशिंग पाउडर है वो डाला है इसमें। हम दोनों को आज लाइव टेस्ट करके फोम ट्यूब में दिखाएंगे और इसमें मैं शेक करके झाग नहीं बनाऊंगा। इसमें हम लोग देखिए, ये इक्विपमेंट है, मशीन से हम आपको दिखाएंगे और टाइम चलाएंगे। 10 सेकेंड के लिए इसमें फोमिंग करेंगे और 10 सेकेंड के लिए सिमिलर इसमें करेंगे, और ये काम मशीन करेगी, मैं हाथ से कोई फोमिंग नहीं करूंगा। और आप लोग को आज लाइव भी दिखाऊंगा कि दोनों ही प्रोडक्ट मशीन बिल्कुल जो भी काम करेगी समय के साथ बिल्कुल सेम काम करेगी, सेम तरीके से करेगी। तो पहले मैं इसमें रुपया में आपको फोम बना के दिखा देता हूं। और इसमें ये देखिए मैंने क्या किया, ये इक्विपमेंट पूरा नीचे डाल दिया है और इसको हम लोग एयर ब्लो करेंगे इसमें, ताकि इसमें जो फोमिंग है वो बढ़ने लगे। तो हम लोग सर से कहेंगे, सर अपने स्टार्ट कर दीजिए। ये देखिए हमने इसको ऑन कर दिया है और 10 सेकेंड ही हम इसको चलाएंगे और इसको बंद कर देंगे, तो इससे हमको इसकी फोम हाइट पता चल जाएगी कि कितनी आ रही है। तो 10 सेकंड ये चलाएंगे, 10 सेकंड ये चलाएंगे, सेकंड चलाएंगे तो लगभग ऊपर तक झाग आ जाएगा। एंड में मैं वो भी आपको चला के दिखाऊंगा। अभी इससे भी कंपैरिजन पर्पस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये इक्विपमेंट आप बाजार में भी आपको आसानी से मिल जाएगा। आप हमसे पूछेंगे तो हम आपको बता देंगे कि कैसे आपको मिलेंगे। सर दोबारा से हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें आप हमको स्टॉप वॉच चालू कर दीजिए। देखिए ये बाजार में मिलने वाला पॉपुलर ब्रांड है, 70 रुपए में चल रहा है, उसका हम लोग फोमिंग अभी टेस्ट कर रहे हैं 10 सेकंड के लिए। तो इसको हमने स्टार्ट कर दिया है। अभी देखिए दोनों काम मशीन ने किए, दोनों में ही फोम मशीन ने बनाई। और ये देखिए लेवल है, इससे ये देख लिया जाता है लैब में कि कैसे फोम हाइट आती है। और आप दोनों के लेवल को देखेंगे, बाजार में मिलने वाले ये पॉपुलर ब्रांड, ये तो मेरा ब्रांड है इधर वाला, ये बहुत पॉपुलर ब्रांड है, तो दोनों में आप देखेंगे कि फोम हाइट ऑलमोस्ट बराबर ही है, ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट है हमारा रुपया, मुझे आप लोग को ये बताना है, ये 70 रुपए में 1 kg का प्रोडक्ट है, और ये जो प्रोडक्ट है हमारा जो प्रोडक्ट है रुपया, ये मात्र 50 रुपए में आपको मिलेगा, 50 रुपीज इसकी MRP रखी गई है। और इसका कंपैरिजन हमने एक इससे ऊपर के सेगमेंट से किया है 70 रुपए से। तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिनको भी डिस्ट्रीब्यूशन रुपया का लेना है वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसमें जो ये फोमिंग है, इसकी जितना भी आप बाजार में जो पॉपुलर ब्रांड्स आप देखते हैं उससे कंपेयर करेंगे और इक्वल तरीके से कंपेयर करेंगे, जैसे मैंने किया है लैब के लेवल से कंपेयर करेंगे, या आप अभी हाथ से भी झाग बना के देखेंगे तो ही बिल्कुल सेम कंडीशंस में इसके रिजल्ट सेम आएंगे। कहने का मतलब यह है कि 70 की चीज 50 रुपए में मात्र मिल रही है, 20 रुपए सेव हो रहे हैं। गांव देहात में 20 रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, 20 रुपए में लोग एक टाइम का खाना भी खा सकते हैं, पूरा परिवार खा लेता है गांव देहात में। शहर में भले ही वैल्यू 20 रुपए की कम हो, लेकिन गांव में 20 रुपए और 5-5, 10-10 रुपए के लिए बहुत लोग परेशान होते हैं बचाने के लिए, सेव करने के लिए। तो हम आपकी सेविंग करा रहे हैं, जो चीज़ 70 में मिल रही है आप उसकी वैल्यू को 50 रुपए में पा सकते हैं हमारा ब्रांड लेकर। और दूसरा मैं आपको एक बात और बताऊंगा कि जो हमने प्रोडक्ट बनाया है ये बहुत अच्छी क्वालिटी का बनाया है और इसकी मार्केटिंग चालू हो गई है, डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल है, आप हमसे कॉन्टैक्ट करिए। मेरा नाम ऋषभ है, कंपनी का नाम हाइका इंडस्ट्रीज है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरा पूरा वीडियो, हैव अ गुड डे। ये देखिए ये दोनों ही प्रोडक्ट्स हैं, इसमें हमारा रुपया है, ये हमने अभी पहले 10-10 सेकेंड चलाया था, अभी 20 सेकेंड और चला लिया है। तो देखिए ये फाइनल झाग है, ये पूरी झाग आपको दिख रही होगी, इसमें झाग में डेंसिटी भी ज्यादा है रुपया की, इसकी झाग महीन बनी है और कम भी बनी है। ये टोटल दोनों ही 30 सेकंड चले हैं, पहले 10 सेकंड चले थे दोनों और बाद में जब इसको और चलाया गया तो 20-20 सेकंड और चलाया। 30 सेकंड चलाने के बाद देखिए फोम ट्यूब में फाइनल रिजल्ट्स ये हैं, और ये जो फोम हाइट है इसकी, ये आप देखिए दोनों की फोम हाइट में फ़र्क है। और ये जो प्रोडक्ट है जो हमने बाजार का उठाया था, इसकी डेंसिटी भी कम है, फोम घनत्व कम है इसका, इसकी फोम हल्की है, इसकी फोम ज़्यादा घनी है, ये देर तक टिकेगी, फोम स्टेबलाइजर भी इसमें पड़ा हुआ है। और यही दोनों चीज़ों का देखिए फाइनल रिजल्ट्स हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, यही आपको हमको दिखाना था पूरे वीडियो में।